नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीएमएल। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे विद एग्जांपल, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा को परिवर्तित करने वाली भाषा, ठीक है। द एसक्यूएल कमांड्स दैट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस बिलोंग टू डीएमएल और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, अगर आपको नहीं पता है, तो एसक्यूएल हमारी क्या होती है, डेटाबेस लैंग्वेज होती है, ठीक है। और ये जो डीएमएल हम पढ़ रहे हैं, ये क्या, उसका एक सब पार्ट है, सबसेट है, ठीक है, उसका एक श्रेणी है। उसमें बहुत सारी कमांड होती है, जिसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया अलग अलग से, जैसे डीडीएल, डीएमएल, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं डेटा मैनिपुलेशन। इससे पहले हम डीडीएल पढ़ चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए डेटाबेस लैंग्वेजेस का, डेटाबेस लैंग्वेज क्या होती है, उसे इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, वहां पर मैंने बता रखा है क्या क्या कैटेगरी श्रेणियां वगैरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जो हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, उसमें क्या है, एसक्यूएल कमांड्स, वे एसक्यूएल कमांड्स जो हमारे मौजूदा डेटाबेस प्रेजेंट है हमारा, उसके जो उसमें जो डेटा प्रेजेंट है उसमें परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन कार्य करती है, ठीक है। तो SQL की वे कमांड्स जो हमारा डेटाबेस है उसमें जो हमारा डेटा है उसमें मैनिपुलेशन का काम करती है, परिवर्तन का कार्य करती है, डील्स विद द मैनिपुलेशन, उन कमांड्स को क्या कहते हैं, वो कमांड्स क्या कहते हैं, हमारी बिलोंग टू डीएमएल एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो वे कमांड हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डीएमएल से संबंधित है, ठीक है। उन कमांड्स को हम क्या बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की हमारी कमांड्स है वो, ठीक है। तो वे SQL कमांड्स जो हमारी डेटा को परिवर्तन करने के लिए काम करी जाती का यूज किया जाता है, उन कमांड्स को हम क्या बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। डीएमएल कमांड्स आर, तो डीएमएल के कमांड्स कौन कौन से, यहां पर सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो ये चार प्रकार के कमांड है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशंस अंडर डीएमएल कमांड्स। तो ये जो हमारी डीएमएल कमांड्स है, डेटा मैनिपुलेशन की जो कमांड्स है, इनके अंडर क्या ऑपरेशन क्या कार्य किया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंसर्ट कमांड क्या करती है हमारी, इंसर्ट कमांड क्या करती है हमारी, इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल। तो जो हमारी एक टेबल होगी उसमें इंसर्ट करना अगर हम डेटा को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कमांड क्या है हमारी, इज यूज्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो डेटाबेस से डेटा को प्राप्त करने के लिए अगर हमें कोई डेटा चाहिए, मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, उसमें से हमें सिलेक्टेड एक रो चाहिए, एक लाइन चाहिए, उस लाइन का डेटा चाहिए, किसी व्यक्ति का डेटा चाहिए, सिलेक्टेड पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अपडेट, इट इज यूज्ड टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। तो एक अपडेट कमांड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटा में कुछ बदलाव करना, अपडेट करना है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपडेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी मौजूदा डेटा है उसमें चेंज करने के लिए, ठीक है। डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। तो जो हमारी डेटाबेस की टेबल होगी उसमें से जो रिकॉर्ड्स होंगे, जो वैल्यूज होंगे, उनको डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई है, अब हम पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल, ताकि कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी एग्जाम्पल फॉर डीएमएल कमांड्स। तो जो हमारी डीएमएल कमांड्स है उनके उदाहरण, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, गिवन द एम्प्लॉय टेबल, हमारे पास क्या एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, ये हमारे पास है। अभी आई कहां से, आपको कहां से आ गई, तो क्रिएट कमांड होती है एक, सी आर ई ए टी, ठीक, उसका इस्तेमाल करके टेबल्स को क्रिएट किया जाता है डेटाबेस में। इस कमांड के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर वो कमांड आती है क्रिएट कमांड, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए आपने क्रिएट कर दिया ये उस कमांड का इस्तेमाल करके, आपके पास ये टेबल गिवन है मौजूद है, ठीक, जिसमें क्या है, हमारे पास चार कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, इतनी है आपके पास, ये ऐसे ही है खाली खाली, बस आपके पास कॉलम है, उनके नाम है, कॉलम्स के नाम है आपके पास, क्लियर है बात। सबसे पहले कमांड क्या है हमारी, इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड क्या है हमारी, डेटा इंसर्ट करने के इस्तेमाल किया जाता है, आप करते हैं डेटा को इंसर्ट इस टेबल में, इस खाली टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट इन टू, किसमें इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है, एम्प्लॉय में, क्लियर है। एम्प्लॉय आईडी में करना है, नेम में करना है, डिपार्टमेंट में करना है, सैलरी में करना है, इन चार कॉलम में करना है ना हमें डेटा को इंसर्ट। तो वैल्यूज पुट करते हैं, वन एम्प्लॉय आईडी के लिए, जॉन नेम के लिए, एचआर डिपार्टमेंट, और 50,000 हमारी सैलरी, ऐसे ही दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, टू
अलाइज नेम डिपार्टमेंट और हमारी सैलरी, ये दोनों हमारी जो वैल्यूज अब इंसर्ट हो जाएंगे, आपको रिजल्ट देखते हैं आउटपुट में क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, एम्प्लॉय में हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं, एम्प्लॉय आईडी 1 एंड 2, नेम जोन अलाइज, डिपार्टमेंट एचआर आईटी, और 50,000 और 60,000 सैलरी। तो इंसर्ट हो गया हमारा जो डेटा हमने यहाँ पर कमांड का इस्तेमाल करके इंसर्ट किया, ठीक है। अब सेकंड कमांड के बारे में पढ़ते हैं, सिलेक्ट, सिलेक्ट कमांड, हमें कुछ सिलेक्ट करना कुछ चीज को, उसके लिए हम क्या करते हैं सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट यहाँ पर स्टार लगाइए आप, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, तो एम्प्लॉयज टेबल में से हमें कुछ सिलेक्ट करना है, कुछ चीज लेनी है, ठीक है। वेयर क्या लेंगे, कंडीशन लेंगे हम एम्प्लॉय आईडी 1, तो जहां पर एम्प्लॉय आईडी 1 है उसको हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय टेबल से, तो एम्प्लॉय की टेबल से हमें जहां पर एम्प्लॉय आईडी 1 है तो उसको सिलेक्ट करना है, तो एम्प्लॉय आईडी 1 कहां पर है ये, तो इसका सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देखते हो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एम्प्लॉय आईडी जिसकी 1 है सिर्फ वो डेटा मिलेगा, उसका नाम मिलेगा, उसका डिपार्टमेंट, उसकी सैलरी मिलेगी, ये 2 नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सिलेक्ट क्या किया, सिर्फ 1 को सिलेक्ट किया, हमें यही चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, आप जैसे इस कमांड का इस्तेमाल खुद भी करके देखोगे तो आपको यही आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। थर्ड कमांड की बात करें, अपडेट, बदलाव करना, अगर हमें कुछ नया नई चीज करनी है, अपडेट करनी है, तो एम्प्लॉयज टेबल है हमारी, उसको क्या करना, अपडेट करना है, क्या करेंगे, सेट सैलरी 55,000, तो सैलरी को हमने क्या कर दिया, 55,000 कर दिया। वेयर कंडीशन लगाई, जहां पर एम्प्लॉय आईडी 1 है, तो एम्प्लॉय आईडी 1 जिसकी थी, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी किसकी, एम्प्लॉय आईडी के हमारे पास 1 किसकी हमारे पास, जोन की, जोन का हमारे पास सैलरी कितनी, 50,000, क्लियर है बात। तो हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया उसको, 55,000 कर दिया जोन की सैलरी को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी 1 जोन डिपार्टमेंट एचआर सैलरी होगी 55,000, पहले क्या थी 50,000। तो इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं टेबल में अपडेट कमांड का इस्तेमाल करके, क्लियर है बात। अब देखते हैं डिलीट कमांड, डिलीट कमांड कैसे काम करती है, तो डिलीट फ्रॉम कहां से करना है हमें, एम्प्लॉयज टेबल से, क्या डिलीट करना है, वेयर कंडीशन लगाएंगे, एम्प्लॉय आईडी 2, तो एम्प्लॉय आईडी 2 जिसकी है उसके सारे डेटा को डिलीट कर दो, ठीक। आउटपुट में आपको टेबल क्या मिलेगी आफ्टर डिलीट कमांड के बाद, एम्प्लॉय आईडी सिर्फ जिसकी 1 है वो आपको मिल जाएगा, एम्प्लॉय आईडी 2 थी जिसकी, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 जिसकी हमारी थी वो क्या हो गया, डिलीट हो गया सारा, अलाइस, अलाइस हमारे पास उड़ गया, यहाँ पर अलाइस की वैल्यू नहीं रही हमारे पास, क्योंकि हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से हमारी जिसकी एम्प्लॉय आईडी 2 थी, जिसकी अलाइस थी, अलाइस नाम का जो व्यक्ति था उसके सारे डेटा को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 1 मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, 4 कमांड थी जिसके बारे में मैंने पढ़ा, इंसर्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड, 3 अपडेट कमांड, और यहाँ पर आप कर लीजिए 4, ठीक है, 3 लिख रखा है यहाँ पर, 4 कर लीजिए डिलीट कमांड। इन चारों के बारे में हमने विद एग्जांपल पढ़ा है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा पहला सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।